लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो जनता होती है वही फैसला हमेशा से करती है? अब आरक्षण के मामले को ही ले लीजिए कि चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं, आरक्षण का मामला भी जो है गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आरक्षण के मामले पर जो भी उनके साइड से रहेगा, क्या नहीं लगता राजगद्दी पर वही विराजमान होगा? देखिए सर, एक बात बताऊं आपको, मंगल की राशि में जब चंद्रमा की महादशा लगती है, आई एम टॉकिंग अबाउट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो डेफिनेटली कुछ फैसले आपके जीवन में ऐसे हो जाते हैं जो आपने नहीं करने चाहिए। आप समझे मेरी बात? जी। जो आपने नहीं करने चाहिए और वो हो जाते हैं। जिस तरह एक बच्चा जो है वो डॉक्टर बनना चाहता है और उसको आप इंजीनियर बनाने की कोशिश करते हैं, और उस दिन के 2014 के मुहूर्त की बात मैं जब करता हूं कि उन दिनों जो मुहूर्त निकाला गया शाम के समय का, वो अभिजित मुहूर्त नहीं था, वो बूझ मुहूर्त था। कितने भारतीय जनता पार्टी के खासदार उनकी डेथ हो गई, कितने लोग उनको छोड़कर चले गए, आपने देखा ही होगा। आरक्षण के मामले में देवेंद्र फडणवीस ने और भारतीय जनता पार्टी ने जिस वजह से मध्य प्रदेश में हारे, 10% स्वर्णों को भी आरक्षण दे दिया। जी हाँ। मगर सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग, ये तो सिंपल सी बात है, इसमें कुंडली की क्या बात करें। सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग, सुप्रीम कोर्ट की 50% से आगे आरक्षण नहीं चलेगा। लुभावने, कहीं ना कहीं लुभावने वादे हैं ये। और यहां तक कुंडली की बात करें, अगले साल का राजा शनि है और सूर्य जो है वो मंत्री है, तो विवाद, हर बात में विवाद आपको देखेगा। अभी गुड़ी पाड़वा में हमारा नया साल शुरू होगा, नवरात्रों की प्रतिपदा के दिन चैत्र नवरात्रों में हमारा पहला दिन शुरू होता है। जी हाँ। तो अगला साल आसान नहीं होगा, आंदोलन, बहिष्कार, आप देखेंगे हर रोज आंदोलन हो रहा है। अभी किसानों ने किया, अभी अनएम्प्लॉयड लोगों ने किया, यहाँ पे मराठा आरक्षण चला, तो ये आंदोलन भरा साल होगा। सूर्य पर देश की आत्मा है और शनि जो है उसके ऊपर कलंक बन के बैठ जाता है। कहीं ना कहीं अगला साल जो है वो उथल पुथल भरा होगा। इसमें महागठबंधन, एनडीए, यूपीए, इनमें जो कशमकश होगा, ये आज तक भारतीय राजनीति में नहीं देखा गया होगा। और एक बात और, राजनीतिज्ञ जो अपनी मर्यादा है उसको भूलकर कुछ भी बोलेंगे, राजनीतिज्ञ किसी भी हद तक जाकर, साम दाम दंड तो छोटी सी बात है, किसी भी हद तक जाकर राजनीति में सफलता पाने की कोशिश करेंगे। आरक्षण जो है ये हर व्यक्ति मांगेगा, कल को सरदार भी मांगेंगे, माइनॉरिटी में है, कल को स्वर्णों को इन्होंने दे दिया जो एक्सेप्टेबल नहीं है अभी तक, और कुछ ऐसी जातियां खड़ी होंगी जिनके लिए वाद विवाद बढ़ते ही जाएगा। जी हाँ।